हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज हड़ताल को कांग्रेस ने दिया समर्थन। सिरोही कांग्रेस पूर्व विधायक संयम लोधा रोडवेज धरना प्रदर्शन में पहुंचकर कर्मचारियों को दिया समर्थन। पूर्व विधायक ने मजदूर संघ पर लगाया सरकार की दलाली करने का आरोप। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और संगठनों की ओर से दो दिवसीय चक्का जाम हड़ताल के कारण परिवहन सेवा गड़बड़ा गई है। पूरे प्रदेश में एक भी रोडवेज बस नहीं चल रही। लो फ्लोर बसों ने भी रोडवेज कर्मियों का साथ दिया, जिससे परिवहन सेवाएं बेपटरी हो गई। लोगों को प्राइवेट बसों में धक्के खाने पड़े। ऑटो रिक्शा और प्राइवेट टैक्सी वालों ने भी मनमाना किराया वसूला। रोडवेज कर्मचारियों के संगठनों ने मंगलवार रात 12 बजे से ही बसों का संचालन बंद कर दिया था। जो बसें जहां थी वहीं रुक गए। रोडवेज कर्मचारी की धरना स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस पूर्व विधायक संयम लोधा ने रोडवेज कर्मचारी की सरकार को समर्थन दिया। वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जमकर रिम्बर्समेंट के रूप में हर महीने 45 करोड़ रुपया रोडवेज को देना होता। कितना पैसा दे रही? 20 करोड़। वो भी रोडवेज कैसे सर्वाइव करेगा? ये तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कर्मचारी संगठनों का संघर्ष है और कांग्रेस पार्टी का उस वक्त दिया हुआ अल्टीमेटम था, वरना आज ये तो मध्य प्रदेश जाकर रोडवेज रास्ता रोडवेज को बेच खाते। बिल्कुल सही बात। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।